नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बीआरबीएल के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। मैंने पिछला जो हमारा जून का एग्जाम हुआ था बीआरबीएल का, इसे प्रॉपरली एनालाइज किया और उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन पे निकला हूं कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर सबसे पहले उस टॉपिक को जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे दोस्तों केस स्टडी पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको मॉड्यूल वाइज वेटेज बताऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें न्यूमेरिकल और इसमें दो ही चीज है, या तो आपको थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और या नहीं तो दोस्तों आपका केस स्टडी रहेगा। ठीक है, तो दो ही तरह का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक का वेटेज, किस यूनिट का वेटेज थ्योरी पोर्शन में ज्यादा है या केस स्टडी में ज्यादा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल ए से। तो दोस्तों मॉड्यूल ए है हमारा रेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंस। ठीक है, तो रेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंस में दोस्तों सबसे पहले आप यूनिट वन की बात करें। इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट वन, तो दोस्तों यूनिट वन में आपको क्या करना है कि आपको जो हमारा टाइम लिमिट, एक देखिए एक डीफ अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस डीफ अकाउंट को आप जरा देख लीजिए, क्योंकि इस डीफ अकाउंट से दोस्तों पिछले बार सवाल पूछा गया था कि टाइम लिमिट कितना होता है डीफ अकाउंट का। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, सो काइंडली गो थ्रू द डीफ अकाउंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए यूनिट वन में ये आपको देखना है। यूनिट टू की बात करें दोस्तों, तो यूनिट टू में दोस्तों आपको लाइसेंसिंग देख लेना, इस पर केस स्टडी आया था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट टू है लाइसेंसिंग। दोस्तों जो हमारा बैंकिंग सेक्शन और लाइसेंसिंग, पहले तो पूछा गया था क्वेश्चन कि बैंक का जो लाइसेंसिंग होता है उसमें कौन सा सेक्शन होता है, तो ये सेक्शन बेस्ड दो से तीन सवाल आए थे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद रख लेना है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइसेंसिंग का। तो पूछा ये गया था कि जो बैंक का लाइसेंसिंग होता है वो कौन सा सेक्शन में है, तो आप याद रख लीजिए सेक्शन नंबर 22 है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग से सवाल था और इस पर एक केस स्टडी भी आया था लाइसेंसिंग पे। देखिए केस स्टडी किसके लिए पूछा गया था, यूनिट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए यूनिट टू को और इसको ध्यान से पढ़िए यूनिट टू के कंटेंट को। देखिए दोस्तों यूनिट टू में इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए, कि केस स्टडी में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि जो प्राइवेट बैंक होती है राइट, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल बैंक में, यानी प्राइवेट बैंक को हम लोग यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे केस स्टडी है। अब केस स्टडी किस प्रकार का है दोस्तों, वो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाल रखा है। आपको यदि डिटेल जानना है तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों, मैं आपको कैप्सूल कोर्स के बारे में थोड़ा आगे बताता हूं, फिलहाल मैं अभी इस पर चर्चा करता हूं। देखिए ये जो कन्वर्जन है ना प्राइवेट बैंक का यूनिवर्सल बैंक में, तो ये सवाल पूछा गया था, इस पर केस स्टडी आया था और आपको क्या करना है, पेज नंबर 181 खोल लेना है, पेज नंबर 18 खोल लेना है, नॉट 181, पेज नंबर 18 खोल लेना है अपने बीआरबीएल के मैकमिलन बुक का, उस पे सेम कंसेप्ट दिया गया है, इसी के बेसिस पे केस स्टडी आया था। तो यूनिट टू यदि मॉड्यूल में बात करें तो यूनिट टू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बैंक का लाइसेंसिंग को पढ़ लीजिए अच्छे से, फॉरेन बैंक के लाइसेंसिंग को पढ़ लीजिए, प्राइवेट बैंक के लाइसेंसिंग को पढ़ लीजिए, यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंसिंग को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप करके जाइए। दोस्तों मैं आपको केस स्टडी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा था कि यदि आपको इस प्रकार का केस स्टडी चाहिए, कंसेप्ट चाहिए जो कि आप एक सप्ताह में कवर कर सकें, तो हमारा बीआरबीएल का कैप्सूल कोर्स सबसे अप्रोप्रिएट है। इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, आपको कंटेंट में शो करता हूं, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, मैं इसका कंटेंट आपको शो करता हूं। देखिए वन लाइनर पीडीएफ है, कैप्सूल पीडीएफ है, डेली क्विजेस है, डेली क्विजेस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विजेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो 24 जून को सवाल पूछा गया था, फिर एमसीक्यूज मैंने डाल रखे हैं, सैंपल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों चूंकि इसमें फॉर्मुला होता नहीं है तो फॉर्मुला का कोई मतलब ही नहीं है, तो यह हमारा बीआरबीएल का कैप्सूल कोर्स है। यदि आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, निश्चित रूप से सारा कंटेंट डाला गया है जो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, वो सब मैंने डाल रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप इसको यदि एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। और ये कोर्स है बीआरबीएल कैप्सूल कोर्स, मात्र पहले 11 कैंडिडेट को एनरोलमेंट को 75 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग वापस आते हैं, आगे डिस्कस करते हैं यूनिट 3 से क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस नाउ यूनिट नंबर 3। तो दोस्तों यूनिट 3 में देखिए आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, यूनिट 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में जो सवाल पूछा गया था वो डीआईसीजीसी से था, क्या था, डीआईसीजीसी से रिलेटेड। ठीक है, डीआईसीजीसी से रिलेटेड यूनिट 3 से सवाल पूछा जाएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यूनिट 3 से एक सवाल पूछा गया था। ओके, एंड आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट यूनिट था जिससे सवाल पूछा गया था मॉड्यूल की हम बात करें, तो यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
यूनिट फोर में दोस्तों आप पेज नंबर 43 में देखते जाइए, ऑडिटर को जरूर देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर से सवाल पूछा गया था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑडिटर से रिलेटेड दोस्तों आप पेज नंबर 43 देख ही लीजिए, सॉरी पेज नंबर 66 मैकमिलन बुक का पेज नंबर 66 देख लीजिए, ऑडिटर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, ऑडिटर की क्या इंपॉर्टेंस है और ऑडिटर का क्या क्या रोल है इस पर सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काइंडली गो थ्रू दिस। ओके अब दोस्तों इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है जिससे सवाल पूछा गया है, कुछ सेक्शंस देख लीजिएगा, सेक्शंस मैंने आपको यूनिट 2 में बताया, लाइसेंसिंग का सेक्शन है, सीआरआर का सेक्शन है, इसको जरूर आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यूनिट 5, 6, 7, 5, 6 से भी क्वेश्चन था, मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट समझा रहा हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सवाल पूछा गया था वो था हमारा यूनिट नंबर 9 से, यूनिट नंबर 9 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यूनिट नंबर 9 का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। यूनिट 9 से दोस्तों आप एनआईएक जरूर देख के जाइए, एनआईएक पे ही यूनिट है। तो इसमें देखिए सवाल ये पूछा गया था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स से बहुत सारा सवाल पूछा गया था, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। फिर दोस्तों दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, तो आप मैकमिलन बुक आपके पास है तो आपको मैं एक पेज नंबर बता रहा हूं, आप उसे ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 156 ओपन कीजिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए, पेमेंट इन ड्यू कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैकमिलन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा सवाल पूछा गया था, आपके पास एक बियरर चेक है और आप उसे ऑर्डर चेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करना होगा, चार ऑप्शन दिया गया था। तो उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 9, चेक वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मैंने यूनिट 2 बताया, उसके बाद मैं यूनिट नंबर 9 बता रहा हूं, ठीक है। एनआईएक से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, एनआईएक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उससे पहले मैं एक यूनिट छोड़ दिया हूं, उसको मैं आपको बता दूं, देखिए मॉड्यूल बी की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूल बी में यूनिट 8 को बिल्कुल मत भूलिएगा, यूनिट 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी आया था। यूनिट 8 पे दोस्तों आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, एएमएल है, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ एएमएल है, पीएमएलए बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो बेसिकली इस पे केस स्टडी आया था, एमएलए से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस स्टडी था आपका, पेनल्टी के बेसिस पे सवाल ये था, इतने दिनों तक यदि ये रहेगा तो पेनल्टी कितना लगेगा, तो मिनिमम पेनल्टी कितना लगता है, तो पेनल्टी जरूर देख के जाइए मनी लॉन्ड्रिंग केस का, इस पे केस स्टडी पूछा गया था दोस्तों। तो यूनिट 8 से आप देख सकते हैं केस स्टडी का सवाल पूछा जाता है हमारे बीआरबीएल के मैकमिलन बुक से। ओके चलिए आप यूनिट 8 देख लिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो मैं आपको बताता हूँ यूनिट 8 के बाद, वो है हमारा यूनिट 9 आपको समझा दिया, यूनिट 16 देखते जाइए, ठीक है, यूनिट 16 देख के जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 16 में दोस्तों एमएसएमई का लिमिट देख लीजिएगा, एमएसएमई का लिमिट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज, इन सभी का लिमिट क्या है इसको जरूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 16 के बाद यूनिट 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 15 में आप एप्लेट अथॉरिटी देख के जाएंगे, ठीक है, एप्लेट अथॉरिटी देख के जाएंगे यूनिट 15 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 15। यूनिट 15 बेसिकली है क्या आपका, रिजर्व बैंक का ओम्बड्समैन, यस यूनिट 15 वेरी वेरी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये जो ओम्बड्समैन स्कीम है ना इस पे केस स्टडी पूछा गया था, ठीक है, ओम्बड्समैन स्कीम पे केस स्टडी पूछा गया था, आरबीआई का ओम्बड्समैन स्कीम पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी आएगा, इसे 5 से 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा यूनिट नंबर 15 से, लिख लीजिए, एप्लेट अथॉरिटी कौन होते हैं ओम्बड्समैन स्कीम में, ये पूछा जाएगा सवाल। तो एमएस ये आपका यूनिट नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 16 मैंने आपको बता दिया, एमएसएमई लिमिट पूछा गया था इसे, नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 19, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट 19 को तो स्टार मार्क कर ही लीजिए, आईबीसी कोड वेरी इंपॉर्टेंट, आईबीसी कोड 2016 पे केस स्टडी आया था, ठीक है, इस पे ये सेम टॉपिक है आपका एवीएम का, जो चैप्टर नंबर 25 है ना, सेम चैप्टर है, तो आप चाहे एवीएम से कवर करें चाहे बुक से कवर करें अपने बीआरबीएल बुक से, सभी का वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप यदि चाहते हैं कि सभी का वीडियोस एक्सेस करना प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वीडियोस का डिटेल बताऊंगा। तो आईबीसी कोड जो है हमारा इसको नंबर एक्चुअली रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट नंबर, ओके, सो आईबीसी कोड 2016 इससे सवाल पूछा गया है और ये यूनिट नंबर 19 है, आपको पता होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिब्यूनल आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इस पे केस स्टडी आया था,
ठीक है, इसको जरूर देख के जाइए। यूनिट नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा ये गया था कि आईबीसी में कितना दिन लगा था कंप्लीट होने में, राइट। और आईबीसी का चार पिलर नोट कर लीजिए, केस स्टडी जो आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, आईबीसी के चार पिलर से रिलेटेड केस स्टडी था। पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ 338, हाईलाइट कर लीजिए मैकमिलन बुक का पेज नंबर 338, आईबीसी का चार पिलर, इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसे निश्चित रूप से आएगा। यूनिट नंबर 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पहले कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मैंने अपने कैप्सूल कोर्स में कंटेंट डाल रखे हैं मोर देन सफिशियंट है। यूनिट 19 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 23। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यूनिट बता रहा हूँ जो कि आपको जरूर देख के जाना है। यूनिट 23 में दोस्तों लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन इसको जरूर देख के जाइए। इस पे सवाल, दो सवाल पूछा गया था मॉर्गेज के केस में कितना है, रट लीजिए लॉ ऑफ लिमिटेशन कितना कितना है, यूनिट 23 से ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट नंबर 25A। यूनिट नंबर 25A में दोस्तों आपका एक केस स्टडी पूछा गया था मोहिरी बीबी एंड वर्सेस धर्मदास, ठीक है। तो ये केस स्टडी आया था, आप पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये इसमें कैपेसिटी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन कर सकते हैं। देखिए केस स्टडी का सवाल बुक से ही पूछा जाता है, तो यूनिट नंबर 25A में आप इस केस स्टडी को जरूर देख लीजिएगा, मोहिरी वीवी वर्सेस धर्मदास केस स्टडी है, बुक में दे रखा है, जरूर इसको देख के जाइए। यूनिट नंबर 25A से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यूनिट नंबर 25C से बात करें हम लोग तो दोस्तों सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है, सिक्योरिटी को देख के जाइए, सिक्योरिटी से लायबिलिटीज के रिगार्डिंग सवाल पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी की क्या लायबिलिटी होती है, को सिक्योरिटी क्या होता है, ये सवाल पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 25D है आपका बेलमेंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइए। यूनिट नंबर 26C में आपको अनपेड सेलर से तीन सवाल पूछे गए थे, अनपेड सेलर से थ्री क्वेश्चन वेयर आस, थ्री कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 25 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 25A हो, 25B हो, 25C हो, 25D हो, जरूर देख के जाइए, मैंने इंपॉर्टेंट समझा दिया आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट देख के जाना है निश्चित रूप से वो है आपका यूनिट नंबर 27 नंबर सी। 27C में दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट पेज नंबर 469 मैकुलन बुक का हाईलाइट कर लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट जरूर देख के जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल ही गया, यूनिट नंबर 10 है मॉड्यूल बी का फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार, ठीक है। यूनिट 10 यानी कि फेमा से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार, ये जरूर देख के जाइएगा। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है सारफेसी एक्ट, सारफेसी एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर देख के जाइए सारफेसी एक्ट को। इसमें क्या क्या सवाल पूछा जाएगा कि सारफेसी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वेयर इट इज नॉट एप्लीकेबल, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए जहां पे अप्लाई कर सकते हैं सारफेसी एक्ट को। फिर पूछा जाएगा कि ऑफेंस यदि होता है तो पेनल्टी कितना लगता है, ठीक है। सारफेसी एक्ट पे 10 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे, ठीक है, तो जरूर देख के जाइए सारफेसी एक्ट को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी समझ में आ गया आपको, चलिए 27C का समझा दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यूनिट आपको मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो है हमारा यूनिट नंबर 33। यूनिट नंबर 33 में दोस्तों आईटी एक्ट है, और आईटी एक्ट में दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए कि आईटी एक्ट का एपलेट ट्रिब्यूनल कौन होता है, हु इज नोन एज एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ आईटी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दिया, अब मैं आपको केस स्टडी टॉपिक समझा देता हूँ। सबसे पहले मॉर्गेज का केस स्टडी पूछा जाएगा, ठीक है, मॉर्गेज यूनिट नंबर 12 में है, यूनिट नंबर 12 से केस स्टडी आएगा मॉर्गेज पे, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पे केस स्टडी आएगा। पीएमएलए एक्ट दूसरा टॉपिक है, मैंने आपको समझाई दिया, पीएमएलए एक्ट से भी केस स्टडी आएगा। तीसरा जो केस स्टडी आएगा वो आएगा आईबीसी कोड से, ठीक है, आईबीसी कोड पे केस स्टडी आएगा। चौथा केस स्टडी आएगा उम्बर्समैन पे, ठीक है। पांचवा केस स्टडी आएगा पार्टनरशिप के डिफरेंट टाइप पे, एक क्वेश्चन पूछा गया था बेलमेंट से रिलेटेड, ये प्लेस से रिलेटेड, ठीक है। सारफेसी पे तो रहेगा ही रहेगा केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारफेसी एक्ट। और मैंने और एक और केस स्टडी फेमा पे भी केस स्टडी रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक वीडियो को एक बार देख लीजिए, और यदि आपको किसी शॉर्ट कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। कैप्सूल कोर्स का डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यू कैन सी द डिटेल ऑफ कैप्सूल कोर्स ऑन आवर ऐप। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस में डालूंगा, इंपॉर्टेंट होगा बीआरबीएल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।